व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही मेरे आफ्टरनून से, नहा धो के मैं हूँ एकदम रेडी, मतलब कहीं जाना नहीं है, सफाई वगैरह करके नहा धो के मैं एकदम चकाचक हो गई हूँ। और अब कर लेते अपने फेस को मॉइस्चराइज। तो मैं यूज़ कर रही हूँ हाइड्रोकोनिक एसिड का मॉइस्चराइज, जिसका व्लॉग जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और आपको परचेज करने हैं तो आप उस वीडियो के जो है लिंक में जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ पर आपको लिंक मैंशन होगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उसमें जो है इंक्लूड है विटामिन सी सीरम और फेस वॉश हो गया, और ये मॉइस्चराइज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज, इससे जो है स्किन हमारी एकदम मतलब हाइड्रेट रहती है, क्योंकि विंटर में स्किन ना एकदम क्रैकी क्रैकी हो जाती है। मेरी तो मोस्टली जो है लिप के अराउंड जो है क्रैकी सा हो जाता है विंटर में, बट जब से मैं जो है ये सीरम और मॉइस्चराइज जो है यूज़ कर रही हूँ ना, मतलब ये क्रैकपन जो है पूरा दूर हो गया मेरे फेस का। और अब जो है लगा लेते सिंदूर, उसके बाद लगाऊंगा मैं छोटी सी बिंदी, क्योंकि मुझे जो है आजकल बिंदी लगाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। तो मैं एवरीडे जो है बिंदी यूज़ कर रही हूँ। और सोमे का बॉडी लोशन जो है एक्सपायर होने वाला है 1 महीने में, तो मैंने कहा जल्दी से मैं ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा आधा मैं लगा लूँगी इसको, और थोड़ा सोमे पे थोड़ा खुद पे ही अप्लाई कर लूँगी। और बस ये देखो मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह जो है मैं लगाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ घर में, वैसलीन वगैरह लगा लूँगी लिप में। और बस यही होता है मेरा डेली का रूटीन। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा आप सब, होप सो सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ एंजॉय करूंगी। तो गाइस आज की व्लॉगिंग शुरुआत हो रही मेरी दिन के 1:30 बजे से, और अभी जो है नहा धोके रेडी हो गई हूँ। लंच भी मेरा प्रिपेयर हो गया है। लंच में आज क्या बनाया है आपको दिखाते हैं। सोमे बताओ लंच में क्या बनाया आज। घी वाली दाल। तो सोमे की जो है घी वाली दाल बनी है, मतलब राजा वाली दाल बनी है। तो सोमे जो है राजमा की दाल को कहते हैं घी वाली दाल, क्योंकि उसको जब राजमा को दबाते हैं ना अंदर से, जब दाल होती है ना जो व्हाइट व्हाइट दिखती है, तो सोमे के लिए घी वाली दाल है। तो सोमे भी नहा गई है और सोमे के बाल सूख गए हैं धूप में, है ना। हेलो एवरीवन, बोलो। ये जो ब्राउन ब्राउन से होते हैं ना, उसके अंदर घी होती है। अगर आप उसको निकालोगे फिर उसके अंदर घी आएगी, फिर आप ये कह सकते हो उसमें ब्राउन कलर का सूप भी है। ठीक है, चलो दिखाते हैं, ठीक है, दाल। ओके, तो भाई ये है हमारी घी वाली दाल। आई विल शो यू घी वाली दाल, सोमे की फेवरेट। तो राजमा की दाल होती है सोमे की घी वाली दाल, और साथ में बनी है हरी सब्जी, और साथ मैंने फ्राई की है चिली और थोड़ी सी मूली भी है। तो भाई जल्दी से खाना सब कुछ रेडी हो गया है, और जल्दी से अब करते हैं पेट पूजा, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग गई है। क्यों सोमी, ऐसा मत करो बेटा, चलो खाना खाएं। ओके, आर यू रेडी? तो सोमे जो है कब से एक्साइटेड है कि मुझे खाना खाना है, क्योंकि राजमा वाली दाल ना हफ्ते में एक बार ही बनती है, तो इस वजह से। तो बस अब जल्दी से खाना खा लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। नीचे बैठे खाना खाना चाहिए। सोफा टूट गया ना, सोफा टूट गया, देखो ना। सुबह बैठे खाना कोई खाता है? खाने से मैं छोटा हूँ। नहीं, छोटा भी नीचे नीचे ही खाता है। मम्मी पापा नीचे खा रहे तो अब ऊपर खाओगे। हाँ बेटा, सब्जी नहीं है, नीचे आओ। पहले जो हम से खाते थे आपको मैं तो दाल खाने में आता है यार। मैंने आपको क्या बोला? सोमे सब्जी ले ले बेटा, थोड़ी सी तो मिर्च है ना, मिर्ची दो आपको। ये मेरी है। तो भाई हमारी थाली जो है लग चुकी है, राजमा, हरी सब्जी, मूली, मिर्ची, और साथ में चल रहा है जबरदस्त मैच। मैच किसका आज? इंडिया ने जीता। इंडिया और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और टाइम हो रहा है 2:30। जल्द से खाना खा लेते हैं, ठीक है।
तो भी आ गई हूँ मैं पार्लर में हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि जाना है शादी में तो बाल थोड़ा अजीब से हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा सा हेयर कट करवा लेते हैं। तो मैंने कटवाया है अपना मल्टी लेयर का हेयर कट, क्योंकि इसमें जो है आपकी लेंथ भी जो है बालों की लेंथ वैसी ही रहती है, हल्की सी कटती है और बाल जो है एकदम अच्छे से हो जाते। तो इसके बाद ये बिफोर था और आफ्टर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से कटिंग हो गई मेरे बालों की। आपको जो बैक साइड से भी मैं दिखाती हूँ कि मेरे बाल कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से जो है ये मल्टी लेयर कटिंग होती है और इसका जो लुक आता है ना फेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप किसी भी साइड से जो है बाल को खुले रख सकते हैं, इस तरीके से पोनी बना सकते हैं इसकी। तो भाई हम लोग जो है निकल पड़े हैं शादी के लिए और अभी हम लोग जाएंगे चाची लोग वहाँ पे और नेक्स्ट डे है शादी, तो वहीं से जो है हम लोग जाएंगे शादी में। तो गाइज शादी वाला व्लॉग जो है आपके साथ जल्दी शेयर होगा, तब तक लिए जो है आप इस वीडियो को इंजॉय कीजिए। वहां चलना है, बहुत है, वहां चलो। तो वही मंडावली से आके हम लोग, मतलब कुछ सामान मेरा छूट गया था तो मंडावली से मैं लेने गई थी और साथ में बुढ़ोजी ने कहा चलो आज चिकन खाया जाए, तो रात को खाते हैं चिकन चावल, क्योंकि दिन में हमने जो है पुलाव भी खाया था हल्का फुल्का, तो ऐसे ही स्पाइसी खाने का मन हो रहा था तो सोचा चलो क्यों ना चिकन चावल ही खाया जाए। तो बुढ़ोजी ने कहा चलो आज मैं खुद से अपने हाथों से बना के लोगों को चिकन खिलाता हूँ, क्योंकि बुढ़ोजी जो है चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं और क्योंकि मैंने बहुत बार खाया ना इसलिए मेरे को टेस्टी लगता है। बाकी आप देख सकते हैं अभी जो इसमें मसाले पड़ेंगे और इसके बाद जो हमारा होगा चिकन रेडी। तो गाइस व्लॉग को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस आशा करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट करना ना भूलिएगा। और शादी का व्लॉग भी आपके साथ जल्दी शेयर होगा, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।